न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो यह शरीर पांच तत्वों से बना है अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मृत्यु के विषय में यही एक अवधारणा दी है और यह संसार भी इसी अवधारणा पर जीता और मरता रहा है कोई नहीं जानता की मृत्यु के ठीक पहले क्या होता है और उसके बाद क्या इस रहस्य को तलाशने के लिए विज्ञान आज भी पुरजोर कोशिश कर रहा है दोस्तों वैसे तो मृत्यु के रहस्य की बात होती है तो इतिहास की कुछ दिलचस्प मौतें याद आती है ऐसी मौतें जो जब आई तब अकल्पनीय थी अंदाज से बिल्कुल विपरीत कई ऐसी ऐतिहासिक हस्तियां हुई जिनकी मौत अजीब और गरीब परिस्थितियों में हुई दोस्तों आज हम आपको इतिहास की इन्हीं दिलचस्प मौतों के बारे में बता रहे हैं तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी इतिहास में दर्ज कुछ दिलचस्प मौतों के बारे में पहला है फ्रेंड्स डेमो देते हुई थी मौत दोस्तों इस दुनिया में अपना इतिहास कायम रखने वालों के नामों की लंबी सूची है इसी सूची में एक नाम है क्लीमेंट लॉयड ब्लोडिगम का भी जोड़ा गया है क्लिमेंट लॉयड वैसे तो अमेरिकी नेता थे पर उन्हें जासूसी और खास तौर पर मर्डर केस सुलझाने में महारत हासिल थी खास बात यह है कि उनकी मौत भी तब हुई जब वे एक मर्डर केस सुलझा रहे थे दरअसल क्लीमेंट हत्याकांड का नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे और उसी दौरान उनके हाथ से पिस्टल चल गई और उनकी मौत हो गई। यह इतिहास का सबसे अनोखा वाक्य था क्योंकि क्लीमेंट की मौत भी ठीक वैसे ही हुई जैसे हत्याकांड में हुई थी दूसरी मौत थी फ्रेंड्स स्कार्फ से हुई मौत दोस्तों मॉडर्न डांस की बात होती है तो इस दौरा डंकन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है वह अमेरिका की ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी नामचीन डांसर्स में से एक थी इस दौरा डंकन को स्कार्फ पहनने का काफी ज्यादा शौक था इसलिए वह दुनिया के जिस कोने में डांस परफॉर्म करने जाती थी वहाँ से स्कार्फ वह जरूर खरीद थी उनके इसी शौक को ध्यान में रखते हुए उनकी बेस्ट फ्रेंड ने जन्म दिन पर एक स्कार्फ उन्हें तोहफे में दिया यह स्कार्फ काफी लंबा था पर इस दौरा डंकन को सबसे ज्यादा प्रिय था एक बार वे अपनी डांस परफॉर्म करने के बाद घूमने जाने के लिए कार में बैठी इस दौरा डंकन ने बेस्ट फ्रेंड की दी हुई वही स्कार्फ अपने गले में बांध रखा था इस दौरा जैसे ही अपने कार से उतरी और आगे बढ़ी उनका स्कार्फ कार के दरवाजे में फंस गया और चंद सेकेंड में में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तीसरी मौत है फ्रेंड्स ज्यादा खाने से मौत दोस्तों अजीब मौतों के किस्मों की बात होती है तो स्वीडन के राजा अडोल का नाम जरूर लिया जाता है वे शताब्दी में स्वीडन के राजा थे जब वे साठ वर्ष के थे तब भी उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी एक बार जब ये खाना खाने बैठे तो अतिश्योक्ति में खाना खाते गए लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि बुजुर्ग आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है जबकि राजा राजा लोगों के आश्चर्य को हैरानी में बदल देना चाहते थे और इसी धुन में वह खाना खाते गए कुछ समय बाद जब उन्होंने खाना खाना बंद किया और अपनी जगह से उठे तो अचानक ही गिर पड़े ज्यादा भोजन कर लेने के कारण तत्काल ही उनकी मौत हो गयी जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब शरीर ऐसी काफी मात्रा में बिना पचा हुआ भोजन निकला इतिहास में दर्ज अगला मौत है फ्रेंड्स दाढ़ी बनाते हुई थी मौत दोस्तों लोगों को अजीबो गरीब शौक होते हैं ऐसा ही शौक था सोलहवीं सदी के ब्रू के मेयर हंस स्टनीगर को उन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी नहीं कटवाया बढ़ते बढ़ते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वे उनकी चोटी बनाकर कंधे पर टांगते थे कहा जाता है कि उनकी दाढ़ी चार दशमलव पाँच फीट लंबी थी बताया जाता है फ्रेंड्स कि एक बार हंस एक कमरे में फंस गए इस कमरे में अचानक आग लग गई थी उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई लोगो ने मदद के लिहाज ऐसी किसी तरह दरवाजा खोला हंस की आदत थी की वे अपनी दाढ़ी को हमेशा ज कर चलते थे लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वे अपनी दाढ़ी को भूल गए और जैसे ही आगे बढ़े उनका पैर अपनी दाढ़ी पर आ गया और वे जमीन पर गिर पड़े और तत्काल उनकी मौत हो गई। अगला मौत है फ्रेंड्स अगलाकार में गई थी जान दोस्तों फ्रांस रिजल्ट को पैरासूट के अविष्कार का श्रेय दिया जाता है उन्होंने उन्नीस ईस्वी में पैरासूट का अविष्कार किया था पर यही अविष्कार उनकी मौत का भी कारण बना दरअसल पैरासूट का निर्माण करने के बाद फ्रांस ने लोगों के सामने क्षण करने का ऐलान किया इसके लिए फ्रांस ने पैरासूट पहना और एफिल टावर से छलांग लगा दी किस्मत ऐसी थी कि जरूरत पड़ने पर पैरासूट खुला ही नहीं और फ्रांस एफिल टावर से सीधे जमीन पर आ गिरे जब ये कूदे थे तो उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहाँ जमा थी पर कोई भी फ्रांस को नहीं बचा पाया हालाकि बाद में फ्रांस के अविष्कार का एक बार फिर परीक्षण किया गया और वह सफल हुआ पर फ्रांस अपने ही अविष्कार के कारण मौत के मुंह में समा गए थे और इतिहास में दर्ज अगली मौत है फ्रेंड्स सौमे जन्मदिन पर हुई थी मौत दोस्तों रूस में रहने वाली डेवी मिल्स ने अपनी जिंदगी के सौ साल हंसी खुशी से पूरे कर लिए थे उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई जब ये सौ साल की हुई तो परिवार वालों ने हंसी खुशी के साथ उनका बर्थडे मनाने की सोची इसके लिए एक शानदार केक का ऑर्डर दिया गया केक आने से पहले डेवी मिल्स अपनी पोती के साथ घर से बाहर निकली और एक सड़क पार करते वक्त एक ट्रक से टकरा गई मौके पर उनकी मौत हो गई। यह वही ट्रक था जिसमें डेवी का बर्थडे केक आ रहा था मौत को मात देती हुई एक और अजीब घटना रूस में 19वीं शताब्दी में घटी थी जब एक 90 वर्षीय महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया जब उक्त महिला के परिवार वाले मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुँचे तो वह बुजुर्ग महिला अचानक ही जाग उठी सब लोग उसे देख कर अवाक रह गए और चीख पड़े लोगों की चीख सुनकर अचानक महिला को हार्ट अटैक आया और वह बाकई में गयी तो दोस्तों यह थी इतिहास में दर्ज कुछ दिलचस्प मौतों की जानकारी उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और दोस्तों ऐसे ही ज्ञान वर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद